हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रणनीतिक प्रबंधन के लाभ। तो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स हैं, इनको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फाइनेंशियल बेनिफिट और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट। तो फाइनेंशियल बेनिफिट में आता है, फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट, सेकेंड है सॉल्वेंसी प्लानिंग, थर्ड है लिक्विडिटी मॉनिटरिंग, फोर्थ इम्प्रूव रेवेन्यू जनरेशन और फिफ्थ है प्रिवेंटिंग लीगल रिस्क। और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, फर्स्ट है रिवाइटलाइज ह्यूमन रिसोर्स, सेकेंड है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, थर्ड है बेटर डिसीजन मेकिंग, फोर्थ इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी और फिफ्थ है हायर स्टेबिलिटी। तो इन दोनों को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है फाइनेंशियल बेनिफिट। ये बेनिफिट, ये हमारे फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स में जो हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स को देखते हैं वो होते हैं लाइक हायर प्रॉफिट, सेल्स, प्रोडक्टिविटी किसी भी फर्म की, जिसमें इंक्लूड होता है प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट, सॉल्वेंसी प्लानिंग, लिक्विडिटी मॉनिटरिंग, इम्प्रूव रिवेन्यू जनरेशन और प्रिवेंट लीगल रिस्क। इनको हम डिटेल में देखते हैं, फिर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट। जो भी हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो डिपार्टमेंट हेड से फीडबैक लेते रहते हैं, फीडबैक उनको हेल्प करता है कि वो देख सके कि क्या चीज़ें उनको प्रॉफिटेबल है और क्या चीज़ें नहीं है। जो भी आपके बिजनेस की क्या कंडीशन चल रही है उससे सीनियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को बना सकता है और कैसे वो और ज़्यादा अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है या उसके गेन को इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ कोरिया बेस्ड LG इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जो कि अभी तक कॉम्पिटिशन को फेस कर रही है, लो प्रॉफिट में है ऑलमोस्ट 2 दशक से, तो ये बताता है कि ये कंपनी अभी भी प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पा रही है। तो आपको स्ट्रेटजीज को फाइनेंशियल या प्रॉफिटेबल बनाना होगा। सेकेंड आता है सॉल्वेंसी प्लानिंग। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है डील करता है लॉन्ग टर्म के गोल्स है, मतलब कि इन फ्यूचर आपके पास क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटी है, मतलब आपके पास कितनी संपत्तियां, कितने दायित्व है, या आपकी नेटवर्थ को बताता है बैलेंस शीट में, और लॉन्ग टर्म तक जो भी आपके आने वाले खर्चे हैं उनको आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो नेसेसरी होता है कि आप सॉल्वेंसी की प्लानिंग करें, या आपके एसेट्स और डेब्ट के रेशियो को बताता है, मतलब आपके पास कितनी संपत्ति है और उसमें कितना उधार है उसके रेशियो को बताता है, और कितना आप आपके गोल को ग्रो कर सकते हैं, आपके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी मॉनिटरिंग। ये बेनिफिट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कि आप कैश फ्लो को देखते हैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए, कि आप चेक कर सकें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, लिक्विडिटी की रिपोर्ट क्या है, तो कंपनी फेस करती है कि क्या लिक्विडिटी के क्राइसिस है, उनके कैसे रिलेशनशिप है, बिजनेस देख सकता है सारी एक्टिविटी को, मॉनेटरी गेन ले सकता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो कंपनी फेस करती है लिक्विडिटी के क्राइसिस को कि उनके पास कितना कैश फ्लो चल रहा है, बिजनेस कैसे सारी एक्टिविटीज को देखता है और मॉनेटरी गेन को ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला, उन्होंने क्या किया था कि जो पैनासोनिक कंपनी थी वो लिथियम बैटरी उनसे लेती है और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाती है। तो पैनासोनिक ने अपने बैटरी के प्रोडक्शन को बढ़ाया ताकि वो प्रॉपर तरीके से बैटरी को सप्लाई कर सके जितनी क्वांटिटी में टेस्ला को चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव रेवेन्यू जनरेशन। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है या सीनियर मैनेजमेंट नेसेसरी चेंज को देखता है ऑपरेटिंग प्रोसेस में कि वो कैसे कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी को देख सकता है, कंपनी कैसे डेवलप करती है अच्छे आइडिया को, आउट परफॉर्म करती है, हेल्प करती है, कैसे आप इनोवेटिव आइडिया को देखते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखती है कंपनी कि लॉन्ग टर्म में वो कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं और अपने रिलेशनशिप को इन्वेस्टर्स के साथ मेंटेन कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट लीगल रिस्क। जो कंपनी होती है इसमें इंक्लूड होता है कि जो भी एम्प्लॉय रिलेटेड उनकी क्या पॉलिसीज है, पॉलिसीज के इंटरेस्ट में क्या कन्फ्लिक्ट आ रहा है, स्टेक होल्डर्स को देखती है, इंटरनल कंट्रोल को देखती है कि सारी चीजों को वो कंट्रोल कर सके, क्या रिस्क आने वाली है, साथ ही में वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर से कंसल्ट करती है, वकील से, प्रोफेशनल से, कि अगर कुछ लीगल कंप्लेंट्स होती है तो कंसल्टिंग हेल्प कर सकते हैं कि रिस्क को कैसे हटाया जा सकता है
और लीगल ऑब्लिगेशंस को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि अभी रिसेंटली ट्विटर पे इंडिया में चार्जेस लगाए हैं कि उन्होंने कुछ इनवैलिड किया या जो इंडिया में कानून चलते उनको फॉलो नहीं किया, उसके बेसिस पे उन पे पेनल्टी लगाई गई है। ये थे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट। अब नेक्स्ट आता है नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट। ये मॉनेटरी टर्म में नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लॉजिकल रेशनल और सिस्टमेटिक वे को बताते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो फर्स्ट है रिवाइटलाइज ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, थर्ड है बेटर डिसीजन मेकिंग, फोर्थ है इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी और फिफ्थ है हायर स्टेबिलिटी। इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है रिवाइटलाइज ह्यूमन रिसोर्स। जो भी स्टाफ है आपके उनमें कितना टैलेंट है, मतलब जब भी आप लोगों को हायर कर रहे हो तो आप उनको प्रॉपर तरीके से डिटेल बताएं जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में, रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिस के बारे में, 360 डिग्री फीडबैक दें। ये स्टेप हेल्प करती है कि कैसे आप टर्नओवर को कम कर सकते हैं, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी पब्लिश की कैस्को लिमिटेड ने, ट्रेडिंग सेक्टर कंपनी जिन्होंने की स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट जेनरिक लेवल से स्टार्ट किया और फिर फील्ड लेवल पर डिफरेंट इंडस्ट्री के गए और म्यूचुअल ट्रस्ट को लोगों के बनाया, उनके साथ कॉपरेशन के साथ रहे और इस तरीके से उन्होंने अपनी सेल्स को ग्रो किया, कस्टमर के नंबर को इंक्रीज किया और मार्केट शेयर को बढ़ाया। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड आता है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। आप डिटेल में एनालाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, मतलब आप किस चीज में किस प्रॉब्लम में है। आप उसमें प्राइसिंग के मॉडल को चेंज करते हैं, रिक्रूट करते हैं ज्यादा स्टाफ को और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ऐड करते हैं, मतलब आप ये चारों के बेसिस पे आपकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं और फिर जहां पे आपको लगता है इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है आप वो करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटर डिसीजन मेकिंग। जो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है कि आप शॉर्ट टाइम में कैसे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप नए प्रोजेक्ट को लें, अच्छे डिसीजन को बनाएं, रिसोर्सेस में इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट को देखें, आइडियाज को देखें, प्लान को आप कैसे अलोकेट कर रहे हैं सारे रिसोर्सेस के लिए। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी प्रैक्टिस को देखता है कंपटीशन की, कैसे वो स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करेगा और कंपटीटर ने क्या स्ट्रेटजीज बनाए उसको देखें, हम उसको कॉपी ना करें पर उससे बेटर स्ट्रेटजीज बनाए और ज्यादा हम ब्रांड अवेयरनेस के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो लाइक HP वो मेंटेन करता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को कि उन्होंने हमेशा रिफाइन किया अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, रीब्रांडिंग किए टाइम टू टाइम, जो कि उनको हेल्प करता है कि कैसे वो जो भी प्रोडक्ट या कस्टमर की नीड है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको फुलफिल कर सके। नेक्स्ट आता है हायर स्टेबिलिटी। जो भी आप सेल कर रहे हैं नए मार्केट में, नए बिजनेस में, नए प्रोडक्ट को ऐड करते हैं ताकि जो भी इंडिविजुअल है, मतलब वो सिर्फ आपका एक प्रोडक्ट पे ही आपका पूरा मार्केट या एक क्लाइंट पे ही आप पूरे बेस्ड ना रहें, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाने पड़ते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स बनाने पड़ते हैं ताकि आप आपके बिजनेस को स्टेबल रख सकें और उसको बंद होने से रोक सकें। तो ये कुछ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।